सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा की राजनीति ज्वाइन करने के बाद लगातार वो खबरों में छाए हुए हैं। साल 1997 से शेरा सलमान खान के बॉडीगार्ड है। वो उनके साथ उनकी फैमिली की भी सुरक्षा करते हैं। शेरा ने सलमान खान के साथ अपनी एक फोटो शेयर की है और ये बता दिया कि वो सलमान खान के साथ थे और आगे भी रहेंगे। क्या है ये माजरा, आइए देखिए। सलमान खान जहां भी जाते हैं उनके साथ साये की तरह चलते हैं उनके बॉडीगार्ड शेरा। शेरा के होते हुए सलमान खान को कोई छू भी नहीं सकता। सलमान भी बिना शेरा के कहीं आना जाना पसंद नहीं करते। वो सलमान की जान बनकर हमेशा साथ चलते हैं, उन्हें हर मुश्किल से बचाते हैं, क्रेजी फैंस से दूर रखते हैं और तो और सलमान की फैमिली मेंबर्स की हिफाजत भी शेरा करते हैं। हाल ही में शेरा अचानक से लाइमलाइट में आ गए थे जब उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के लिए शिवसेना को सपोर्ट किया। इसके कुछ बाद लोगों ने उन्हें सलमान खान का पूर्व बॉडीगार्ड कहना शुरू कर दिया था। हालांकि ये खबरें महज अफवाह निकली। शेरा सलमान खान के साथ करीब 25 सालों से रह रहे हैं और शेरा ने अपने 25 साल की ड्यूटी के बाद मालिक सलमान खान के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है। उन्होंने लिखा है, 25 साल हो गए मैं मालिक सलमान खान के साथ परछाई की तरह हूँ, लेकिन आज भी उनके ऑरा को देख कर मैं उनका फैन हो जाता हूँ। वहीं सलमान ने भी शेरा की तस्वीर को शेयर किया है, उन्हें अपना भाई जैसा बताया है। बता दें कि ये तस्वीर सलमान खान की बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के नए जिम लॉन्च की है जो हाल ही में मुंबई में लॉन्च हुआ। इस मौके पर सलमान खान पहुंचे तो सिक्योरिटी के लिए शेरा भी मौजूद थे और फैंस को हटा रहे थे। भारी भीड़ के बीच सलमान और शेरा ने ये तस्वीर खिंचवाई और उसे शेयर किया है और 25 साल पूरे होने की खुशी में ये तस्वीर दोनों ने शेयर की है। बता दें कि सलमान शेरा के साथ बॉडीगार्ड से ज्यादा अच्छा रिलेशन रखते हैं और उनके साथ एक दोस्त की तरह ही रहते हैं। आपको बता दें कि शेरा को सलमान खान ने नहीं बल्कि उनके भाई सोहेल खान ने सुरक्षा के लिए सिलेक्ट किया था। जी हां, कहा जाता है कि शेरा सलमान के बॉडीगार्ड के तौर पर 97 में चुने गए थे। दरअसल सलमान खान चंडीगढ़ में एक शो कर रहे थे, तब कुछ लोगों ने स्टेज पर चढ़ने की कोशिश की जिसके कारण सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ गई और पूरा शो प्रभावित हो गया था। इसके बाद सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान को उनकी सुरक्षा व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी दी गई। तब सोहेल ने शेरा को ऑफिस बुलाया और उन्हें सलमान खान के पब्लिक अपीयरेंस वाली जगहों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर में जब सलमान फंसे तो शेरा उन दिनों उनके काफी करीब रहे, लेकिन इसके बाद दोनों के बीच का रिश्ता बॉडीगार्ड से और ज्यादा बढ़ गया। हालांकि बताया जाता है कि आज भी शेरा सलमान को मालिक कहते हैं। वहीं सलमान खान के साथ काम करने के अलावा शेरा ने अपने बेटे के नाम पर सुरक्षा कंपनी भी उपलब्ध कराई है। सुना था कि सलमान खान उनके बेटे को फिल्म में लॉन्च करने वाले हैं, हालांकि अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सलमान की सुरक्षा करने के अलावा शेरा अपनी कंपनी के जरिए कई बॉलीवुड स्टार्स और तमाम इवेंट्स में सुरक्षा मुहैया कराते हैं। बताया जाता है कि अब वो सलमान खान के साथ चुनिंदा जगहों पर ही जाते हैं।